नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। अपने पहले लेक्चर में, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था, हमने डेफिनेशन दी थी साइक्लिक ग्रुप की। मैं फिर से उस डेफिनेशन को लिख रहा हूँ और थोड़ी सी बातें आपको साइक्लिक ग्रुप के बारे में और बताऊंगा जो काफी इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो कल हमने जो डेफिनेशन दी थी, याद करिए, हमने किसी ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप को कहा था, एक ग्रुप जी is called cyclic if it can be generated by an element of तो जी साइक्लिक ग्रुप होगा तो वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाए। कहने का मतलब, जनरेट होने का कहने का मतलब ये है कि हम यहां से कोई भी एक एलिमेंट पिक करेंगे, मैं ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को उस एलिमेंट से जनरेट करा सकता हूं। इसका मतलब उस एलिमेंट को मैं कई बार यदि मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वो वाला एलिमेंट मिल जाएगा जिसके बारे में आपने मुझसे पूछा है। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, यदि जी साइक्लिक ग्रुप है मान लीजिए, और उस जिस एलिमेंट से जनरेट होता है, जिस एलिमेंट से आपका ग्रुप जनरेट हो रहा है उसको जनरेटर कहते हैं। दैट एलिमेंट विच जनरेट ग्रुप इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ जी, इस ग्रुप का जनरेटर कहते हैं। So, if A is generator of G, then ये जो G है वो कुछ नहीं बल्कि ऐसे रूप में होगा, A के जहां K मेंबर है पूर्णांक, K पूर्णांक संख्याओं का मेंबर है, K कोई पूर्णांक होगा। तो इस तरह के सारे पूर्णांक ले लीजिए, पूरा का पूरा जी मिल जाएगा। जनरेट करने का मतलब ये, जनरेटर का मतलब होता है ए से जनरेट का मतलब ये सेट, और ये सेट यदि जी के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं जी साइक्लिक ग्रुप हो गया। लिखने का तरीका है, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है ये। यदि मैं ऐसा लिख रहा हूं इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर ए है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, आपने ये, आपको अच्छे से पता है, इंटीजर का सेट प्लस के साथ में ग्रुप बनाता है, इज ए ग्रुप। अब यहां ध्यान से देखिए, यदि आप देखेंगे अच्छी तरह से तो मैं ये दिखाऊंगा कि ये जेड, ये जो ग्रुप है ये साइक्लिक ग्रुप है। इट इज ऑल्सो साइक्लिक ग्रुप, और एक्चुअली इसके दो जनरेटर हैं। ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, याद रखिए, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। इसके दो जनरेटर हैं। किसी साइक्लिक ग्रुप में, जब मैं साइक्लिक ग्रुप कह रहा हूं इसका मतलब उसमें एक जनरेटर होना चाहिए, पर एक से ज्यादा जनरेटर भी हो सकते हैं। तो इस साइक्लिक, ये इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, इसके दो जनरेटर होते, इसमें दो जनरेटर हो सकते हैं। कौन कौन से दो जनरेटर हैं? It's
generators are 1 and minus 1. मैं हल्का सा आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे थोड़ी देर के लिए ये जनरेटर 1 है, इसका मतलब कहने का मतलब मेरा ये है जेड प्लस ये, ये इस नोटेशन में, इस नोटेशन में मैंने इसको ऐसे लिखा है 1 और माइनस 1, दो जनरेटर है तो या तो ये इसके बराबर होगा या इसके बराबर, दोनों चीजें बराबर, ये भी जनरेट करके यही देगा और माइनस 1 भी जनरेट करके यही देगा। तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पर समझाता हूं जनरेट कैसे कर रहा है। सपोज करिए आप 5 उठाइए, अब आप मुझसे पूछिए 5 कैसे 1 से जनरेट हो गया, तो बड़ा सामान्य बात है, जनरेट करने का मतलब 1 को, ये एडिशन ऑपरेशन है, इसका मतलब 1 को मैं कुछ बार जोड़ूं तो मुझे फिर से 5 मिल जाए। तो आपको अच्छे से पता है 5 क्या है, 1 को फिर एक बार जोड़ा, फिर दूसरी बार जोड़ा, तीसरी बार जोड़ा, देखिए इसका मतलब कितनी बार किया मैंने ये 5 टाइम्स और आपको 5 मिल गया। तो इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, और याद रखिए ये नोटेशन में 5 1 का मतलब है 1 को 5 बार जोड़ा, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपके नंबर का नहीं, ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, बात सही है कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 ही आएगा, पर ग्रुप थ्योरी में 5.1 लिख रहा हूं। यदि ग्रुप थ्योरी में मैं n, मान लीजिए आपका ग्रुप एडिटिव ग्रुप है और मैं इसका कोई एलिमेंट a उठाता हूं और मैं n a लिखता हूं, इसका मतलब ये होता है a को इस ऑपरेशन के साथ में कितनी बार n बार मैंने जोड़ा है, इसका मतलब ये होता है ग्रुप में। तो थोड़ा सा अपने को सोचने की नजरिए को बदलिए, थोड़ा नंबर सिस्टम से बाहर आइए। तो इसका मतलब 5.1 का मतलब यहां पर सिंपली ये मतलब है 5.1 का कि 1 को आपने इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में 5 बार जोड़ा, और यदि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, फिर देखिए यदि आपका ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव है, ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन की है, तो इसका और ए कोई मेंबर है जी का, तो हम मल्टीप्लीकेशन में हम नोटेशन फॉलो करते हैं जो हम नंबर में भी करते थे, क्या नोटेशन फॉलो करेंगे, ए एन, ए एन का मतलब होता है ए को मल्टीप्लाई किया गया कितनी बार, एन टाइम्स। ये ए एन जरूरी नहीं कि ये ए एन, ये ए एन आपके नंबर जैसा इंडिसेस के, पर आश्चर्य की बात यह है लॉज ऑफ इंडिसेस सब फॉलो हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे इन बातों को धीरे धीरे कि ग्रुप रिफ्लेक्ट करता है, जो चीजें आपने नंबर सिस्टम में देखी हैं काफी ये बातें ग्रुप में भी रिफ्लेक्ट होंगी, अभी हम इस पर बाद पे चर्चा करेंगे, पहले आप इस पर कंसंट्रेट करिए। देखिए मैंने 5 को जनरेट कर दिया, अब आप बोल रहे हैं सर आपने 5 बार जोड़ा एक को, 5 आ गया, तो मैं समझ रहा हूं कि आप सर इससे जोड़ते जोड़ते आप 1 को जोड़ते जोड़ते आप सारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी ले आएंगे, अब ये बताइए आप नेगेटिव इंटीजर्स कैसे लाएंगे, यदि 1 को जोड़ेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स कैसे आएंगे। बहुत सही है, नेगेटिव इंटीजर्स भी ला सकता हूं, मान लीजिए मुझे -5 लाना है, -5 लाने का मतलब क्या समझिए आप, -5 लाने का मतलब मैं इसको इस रूप में लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या लिख रहा हूं जरा देखिए ध्यान से, -1 + 1 + 1 कितने टाइम्स, कितने बार, 5 बार लिखा, इसको मैं ये कह सकता हूं -1 + 1 + 5, या मैं इसे ऐसा भी कह सकता हूं कहना चाहूं तो, वैसे ये कहना बहुत उचित नहीं होगा, पर हम ये कह सकते हैं -5 टाइम्स। तो -5 टाइम्स का मतलब है माइनस को बाहर निकालो और 5 टाइम्स जोड़ो, तो देखिए 1 + 1 + 1 5 हुआ और माइनस का साइन लगा तो -5 आ गया। तो समझ रहे हैं आप, मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स भी आपको दिखा दिए 1 से जनरेट हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी 1 से जनरेट हो सकते हैं, 0 कैसे आएगा इससे, अब ये बात है 0 कैसे आएगा, तो याद करो अपने डेफिनेशन में वापस जाइए, आइए वापस डेफिनेशन में, क्या लिखा है मैंने डेफिनेशन, AK यदि एडिटिव ग्रुप है तो KA होगा, याद करो ये लिखा है, यदि एडिटिव ग्रुप है तो KA का नोटेशन होगा और यदि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो AK का नोटेशन होगा। जनरली हम AK का मतलब आप AK, हम जनरली नोटेशन मल्टीप्लिकेटिव सेंस में लिखते हैं हर बार, उस पर कंफ्यूज मत होइए, पर मैं आपके 0 को दिखाता हूं, 0 बहुत इजी भी पता है आपको,
आपने के मेंबर क्या लिखा है जेड का, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो क्या हुआ, के को जीरो रखिए इनटू वन करिए, क्या आया जीरो। तो पॉजिटिव इंटीजर भी जनरेट हो गए, नेगेटिव इंटीजर भी जनरेट हो गए, और इस डेफिनेशन के अनुसार जीरो भी जनरेट हो गया। इसका मतलब पूरा का पूरा जेड जनरेट हो गया। अब आपके लिए एक्सरसाइज है, सोचिएगा माइनस वन कैसे जनरेट करेगा। कोई ट्रिक नहीं है, माइनस वन को यदि आप पांच बार जोड़ेंगे तो माइनस फाइव आएगा, माइनस वन को माइनस फाइव बार जोड़ेंगे, जिसको माइनस फाइव का मतलब समझाया मैंने क्या है, तो आपके पास फाइव माइनस फाइव आएगा, और यदि माइनस वन को माइनस फाइव बार जोड़ेंगे तो आपके पास प्लस फाइव आ जाएगा, और माइनस वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जीरो आएगा। तो कोई अनोखी बात नहीं है। यह इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था। मैंने कल आपको मॉड्यूलर अर्थमेटिक में कल बताया था, किस याद करिए, मैंने आपको इस ग्रुप के बारे में बताया था, याद आ रहा है, ये ग्रुप बताया था मैंने। इसमें ये जेड एन का नोटेशन कैसे लिखा था हमने, याद करिए, हमने इसमें ये एलिमेंट लिखे थे जीरो वन टू और कहां तक गए थे एन माइनस वन तक, और ये ऑपरेशन मैंने ये एडिशन की ऑपरेशन कैसे डिफाइन की थी, याद करिए, एडिशन की ऑपरेशन कैसे डिफाइन की थी, मान लीजिए आप टू थ्री लिखते हैं, इसका मतलब टू को थ्री में जोड़िए, एन से डिवाइड करिए, और जो रिमाइंडर आता है उसको लिखेंगे यहां पर, जो भी रिमाइंडर आता है, मान लीजिए रिमाइंडर फाइव आया तो आप यहां फाइव लिखेंगे, ये नोटेशन है। तो ये फाइव कुछ नहीं है, क्या है ये फाइव, क्या है ये फाइव, क्या है रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग 2 + 3 5 / n, बस सिंपल सा, और रिमाइंडर जो भी आएगा वो इसी के अंदर होगा, क्योंकि आप किसी भी अंक को यदि 5 n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी केवल ये है 0 1 2, तो इसी के अंदर के बनेंगे। अब आप इंटरेस्टिंग बात ये देखिए, ये z ये भी पूर्णांकों से बना हुआ है। तो पहले मैं आपको इस चीज को, इस एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। अब हमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स में और बात करते समय जब हम हायर लेवल पे धीरे धीरे जाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें एक हमको एक स्पष्ट हमें चीजें स्पष्ट भी होनी चलनी चाहिए कि नोटेशन बहुत ज्यादा नोटेशन रखना कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। तो मैं बार बार ये बार लगा के बात करूं, इससे अच्छा है मैं यदि ये लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, यदि मैं लिख रहा हूं वन मेंबर है जेड एन का, इसका मतलब मैं इस वन की बात कर रहा हूं। ये वन आपको अच्छे से पता है पूर्णांक, ये वन आपके लिए पूर्णांक भी है, वन वन जिसको आप जानते हैं बचपन से, ये वन यदि जेड एन का मेंबर है तो इस रूप में है। यदि मैं लिख रहा हूं थ्री मेंबर है जेड एन का, इसका मतलब ये थ्री नंबर नहीं है बल्कि ये वाली चीज है जो मैंने आपको कल बताई थी। तो हम बार बार इस नोटेशन को यूज करने से अच्छा है हम जेड जब लिख रहे हैं और चीजें स्पष्ट हैं कि हम किस चीज में बात कर रहे हैं, तो हम इसको सिंपली ये लिख देंगे। तो अब के बाद में जब भी मैं आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा आपको कि मैं किस सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो जेड एन सिस्टम में मैं 0 1 2 n - 1 लिख रहा हूं, तो याद रखिए दिमाग के अंदर पीछे आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए मैं जेड एन में बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये 0 1 2 n - 1 मात्र पूर्णांक नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन क्लासेस को जो मैंने डिस्कस की थी अपने पहले लेक्चर में। मैंने बस नोटेशन थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने ये बार बार क्लमजी नोटेशन, ये बार बार हमको बार बार ये बार बार लगाना, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, हम ऐसे में भी बात कर सकते हैं, वही बात जो हम बार 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 को लगाए कर रहे हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, और मैं ये ध्यान रखिए, इसको कहते हैं इट इज क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, इंग्लिश में कहा जाता है इट इज क्लियर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, इसका मतलब आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको पहले से पता है मैं इस नोटेशन को किस रूप में यूज कर रहा हूं। इसको कहते हैं कि आप अब धीरे धीरे मेच्योर हो रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो आपको ये मेच्योरिटी भी डेवलप करनी है अपने अंदर। तो जरा ध्यान से देखिए, हमने कल दिखाया था ये जेड एन, या हमने ये ऑपरेशन डिफाइन की थी जो पहले ऊपर बताई है, इज एन
अबेलियन, ये अबेलियन या कम्यूटेटिव, अबेलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्डर, मैंने ग्रुप का ऑर्डर आपको डिफाइन किया था, एन ऑर्डर का ग्रुप है ये, इसका मतलब इसमें एन एलिमेंट है, देखिए ना ए ये जीरो से स्टार्ट हुआ एन माइनस वन तक गया तो एन एलिमेंट है इसमें, ये एडिशन है, ये एडिशन मैंने डिफाइन किया था। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं यहां फर्क है इसमें, ये भी पूर्णांकों का, सारे पूर्णांकों का ग्रुप है, ये भी एक्चुअली देखा जाए तो सारे पूर्णांकों का ग्रुप है, क्योंकि इस वन के अंदर जीरो के अंदर याद करिए हमारी क्लास में जीरो के अंदर कुछ पूर्णांक आते थे, फिर वन के अंदर कुछ आते थे, फिर एन माइनस वन के अंदर कुछ आते थे और सब मिलकर फिर से जेड बन जाते थे। पर फर्क क्या है, यहां पर यह ग्रुप इनफाइनाइट है और यहां पर यह ग्रुप फाइनाइट है, ये हमारे बड़े फायदे की चीज हुई थी। पर इंटरेस्टिंग बात ये आप देखेंगे कि इस ग्रुप में भी ये ग्रुप भी साइक्लिक है, जैसे ये ग्रुप साइक्लिक था ये वाला ग्रुप भी साइक्लिक है। कैसे, मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं, आप ये एग्जांपल लीजिए, ये ग्रुप का एग्जांपल लीजिए, क्या एलिमेंट है इसके याद करिए, जीरो वन वन टू। चलिए हम जरा बात करें, साइक्लिक है, वन का वन से जनरेट क्या होगा, देखें वन से जनरेट क्या क्या हो सकता है, वन से जनरेट क्या क्या होगा बोलिए, वन होगा, वन प्लस वन होगा, वन प्लस वन प्लस वन होगा एंड सो, यदि आप ध्यान से देखें तो वन होगा, वन प्लस वन कितना होता है, ओ सर ये प्लस का नोटेशन जरा ध्यान रखिएगा, ये नोटेशन हमारा ये वाला नोटेशन है थ्री वाला, वन होगा, वन प्लस वन कितना हुआ टू, थ्री से डिवाइड करिए रिमाइंडर क्या आया, यस टू, वन प्लस वन प्लस वन कितना हुआ थ्री, थ्री से डिवाइड करिए रिमाइंडर क्या आया याद करिए जीरो, देखिए ध्यान से देखिए, उसके बाद रिपीट है, फिर बाद में रिपीट होने लग जाएगा, जैसे चार बार कर लीजिए, आपको यदि लगता है कि नहीं कुछ नई चीज हो जाएगी तो कोई नई चीज नहीं आएगी, आपको पता है ग्रुप है, कौन सा एलिमेंट उठाया आपने, ग्रुप का एलिमेंट उठाया, अब इसके बाहर की चीज आ ही नहीं सकती, तो अब मैं आपको आपकी ये दुविधा को मैं दूर कर देता हूं, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, चलिए कोई बात नहीं, चार बार पहले क्या करिए जोड़िए, चार आया, तीन से डिवाइड करिए रिमाइंडर क्या आया, वही बात, तो आगे करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए आपके वन ने क्या जनरेट कर दिया, देखिए जरा से आपके वन ने क्या जनरेट किया, देखिए जीरो भी आ गया, वन भी आ गया, टू भी आ गया, इसका मतलब पूरा जेड थ्री आ गया, इसका मतलब ये तो भी क्या आ गया, ये तो पूरा जेड थ्री आ गया। और हमारी डेफिनेशन क्या थी साइक्लिक ग्रुप की याद करिए, यदि कोई एलिमेंट पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे तो उसको साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, इसका मतलब जेड थ्री क्या हो गया साइक्लिक ग्रुप, और क्या जनरेटर हो गया इसका, वन जनरेटर है। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात और देखें, क्या टू भी इसका जनरेटर है, देखते हैं, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, फिर से काम करते हैं, जनरेट करने का मतलब क्या हुआ, पहले एक बार, फिर कितनी बार जोड़ा भाई आपने, यस दो बार, फिर कितनी बार जोड़ा, तीन बार एंड सो जोड़ दीजिए। अब जरा देखिए क्या हो रहा है, एक बार जोड़ा तो भाई एक बार में कुछ भी नहीं हुआ, मैं जोड़ा ही नहीं तो दो का दो ही रह गया, दो बार जोड़ा तो क्या हुआ, दो और दो कितना हुआ चार, तीन से डिवाइड किया तो क्या आया बेटा, ये आया आपके पास में रिमाइंडर क्या आया वन, फिर दो दो दो, तीन बार जोड़ा क्या हुआ सिक्स आया, सिक्स को तीन से डिवाइड किया रिमाइंडर क्या आया लीजिए, फिर देखिए आपने क्या नोट किया, जेड टू भी जनरेट करता है उसी ग्रुप को, इसका मतलब कि इस जेड थ्री के दो जनरेटर है, जीरो तो जनरेट कर ही नहीं सकता क्योंकि जीरो प्लस जीरो कितनी बार भी करिए हमेशा जीरो ही आएगा, तो जीरो को यदि आप देखना चाहते हैं, जीरो से यदि आप जीरो के जनरेट करेंगे तो जीरो से हर बार आपको केवल क्या मिलेगा, जीरो जीरो ही मिलेगा, इसका मतलब आपको केवल जीरो मिलेगा, तो ये किसके बराबर नहीं है, ये जेड थ्री के बराबर नहीं है, तो जीरो जनरेटर नहीं है क्योंकि जीरो जनरेट नहीं कर रहे, तो जेड थ्री में दो जनरेटर है वन और टू,
ठीक है। अब मैं ना आपको इसी पर ये सारे जनरेट होते हैं, ये सारे जितने भी हैं हम इसका प्रूफ कर सकते हैं, पर प्रूफ को मैं एक अलग लेक्चर में मैं आपको प्रूफ बताऊंगा कुछ। अभी तो मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं कि हम क्या सोच सकते हैं। जैसे सपोज करिए आप इसको लीजिए, हाँ कौन कौन से एलिमेंट है इसमें बात करिए, 0, 1, 2 और 3 तक, एक कम तक, ये एलिमेंट है। अभी मैंने आपको बताया 0 से जनरेट करेंगे तो केवल 0 आएगा। चलिए जरा 1 को जनरेट करें क्या होता देखते हैं। 1 आया, 1 + 4 = 1, 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन। देखिए क्या आया आपके पास, 1 आ गया, 1 + 1 = 2, 2 को 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2, 1 + 1 = 3, 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 3, 1 + 1 + 1 = 4, 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0, खत्म। इसके बाद रिपीट होगा जैसे पहले हुआ था। देखिए जा सर, देखिए सब आ गए। इसका मतलब आपको क्या मिल गया, इसका मतलब Z4 क्या है, जैसे मैंने क्लेम किया था। मैंने क्या क्लेम किया था, ये Zn हर n के लिए साइक्लिक होता है। मैंने 3 के लिए दिखाया एग्जांपल से, 4 के लिए देखिए ये आ गया Z4, आपसे किससे जनरेट हो गया, 1 से जनरेट हो गया। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करिएगा, मैं दोनों एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं कुछ पूछूंगा आपसे तो ध्यान से देखिए हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, हम किस में इंटरेस्टेड हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साइक्लिक ग्रुप की। 2 के साथ क्या हुआ, 2 एंड सो, जो भी 2 आया, 2 + 2 = 4 हुआ, 0 आया, 2 + 2 + 2 कितना हुआ, 6 हुआ, 2 आया, 2 + 2 + 2 + 2 कितना हुआ, 8, 0 आया। अरे वास्तव में आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए आपको, 2 को यदि आप कितने बार भी जोड़े हो 4 से डिवाइड करें तो 2 ही रिमाइंडर पॉसिबल होते हैं, आपने नंबर में अच्छे से सीखा हुआ है। और वो 2 रिमाइंडर केवल क्या होते हैं, 0 और 2। और ये बहुत दूर है किससे, Z4 में कितने एलिमेंट हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट हैं। 2 को यदि मैंने सारे जनरेटर बनाए कितने एलिमेंट आए, ये किसके बराबर नहीं है। इसका मतलब जेट, देखो साइक्लिक होने के लिए क्या होना चाहिए याद रखो, साइक्लिक होने का मतलब होता है कोई ग्रुप साइक्लिक है, इसका मतलब एक एलिमेंट मिले जो ग्रुप को जनरेट करे। तो मेरी ये बात तो प्रूफ हो गई कि Z4 साइक्लिक है क्योंकि 1 ने इसको जनरेट कर दिया। क्वेश्चन अब ये हम देख रहे हैं क्या हर एलिमेंट जनरेट करता है। यहां तो हमने देखा था 0 तो नहीं करेगा, 0 तो ऑब्वियस है 0 नहीं करेगा, यहां पर 0 को छोड़कर हर ने कर दिया था जनरेट इसको। यहां देखिए तो जरा सा 0 तो नहीं करेगा, 1 ने किया, देखिए 2 फिर कर गया, 2 भी जनरेटर नहीं है इसका। अब जरा सा आइए 3 पर, 3 एंड सो ऑन। अब मैं ये बार बार नहीं करूंगा, आप सीख चुके हैं इसको। 3 + 3 कितना हुआ, 6, 2 आया, 3 + 3 + 3 कितना हुआ, 9, 4 से डिवाइड किया कितना आया, 1 आया, 3 + 3 + 3 + 3 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स कितना आया, 12, 12 को 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर क्या आया, 0। और फिर रिपीटेशन होगा क्योंकि सारे एलिमेंट आ चुके हैं, इसके अलावा कोई नया तो आएगा नहीं। क्या मिल गया आपको, और जरा ध्यान से देखिए इसका मतलब Z4 का एक जनरेटर और मिल गया आपको। Z4 में आपने देखा जो जनरेटर है 1 और 3, 2 नहीं है। यदि मैं केवल ये एग्जांपल आपको देता और आपसे पूछता कि Z3 में यदि Zn में जनरेटर कितने हो सकते हैं, तो आप इस एग्जांपल को देख के बोलते कि सर 0 को हटा दीजिए उसके बाद सब हो सकते हैं। आपकी ये बात यहां आती गलत हो जाती,
यहां जीरो भी जनरेटर नहीं है और टू भी जनरेटर नहीं है। तो क्या अनोखी बात नोट की आपने, क्या चीज देख रहे हैं आप? आप सोच सकते हैं, बता सकते हैं मुझे कि कौन सा नंबर जनरेटर होगा इसमें, कौन सा नंबर जनरेटर होगा? हम कैसे देख के बता दें केवल, ये सब नहीं करें, इतना काम करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें कौन सा नंबर जनरेट होगा केवल देख के बता दें। तो इसी चीजों को, जब कोई चीज, हम इसका प्रूफ आपको अगली बार देंगे अपने लेक्चर में, मैं प्रूफ का एक लेक्चर अलग रखूंगा। बहुत ऐसी बातों को, जब कोई बात जनरली सही होती है, यूनिवर्सली सही होती है पूरे साइक्लिक ग्रुप के लिए, तो उसको हम थ्योरम के रूप में लिखते हैं। और थ्योरम, और फिर जब थ्योरम आप लिखते हैं, कोई स्टेटमेंट होता है थ्योरम एक, उसको आपका प्रूफ भी देना पड़ता है। प्रूफ मतलब जनरल प्रूफ। तो थ्योरम और प्रूफ थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट चीज होती है, इसीलिए मैंने आपको इसके लिए, आपके लिए अलग से लेक्चर रखा है। पर यहां मैं आपको बता दूं, हिंट मैं आपको दे रहा हूं वो ये है, यदि आप इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को ध्यान से देखें तो एक बात निकल के आ रही है। क्या बात निकल के आ रही है? कि मेंबर ऑफ जेड एन विल बी जनरेटर ऑफ जेड एन, मैं एडिटिव ग्रुप की बात कर रहा हूं, याद रखिए, जेड एन इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, मतलब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है, यही बस पॉसिबिलिटी है कि मेंबर ऑफ जेड एन विल बी जनरेटर ऑफ जेड एन इफ एंड ओनली इफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ के और एन क्या होना चाहिए। देखिए मेरी बात बिल्कुल सही है, वन और चार का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है? वन। दो और चार का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है? दो, इसीलिए वो जनरेटर नहीं था। तीन और चार का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है? वन, इसीलिए जनरेटर है। वन और थ्री का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन, इसीलिए जनरेटर है। टू और थ्री का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या? वन, इसीलिए जनरेटर है। और ये फैक्ट बिल्कुल सही है, इसी फैक्ट को हम आगे चल के थ्योरम कहेंगे। ऐसी चीजें जो यूनिवर्सली सही होती हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो थ्योरम का रूप ले लेती हैं, प्रपोजिशन, थ्योरम, इनका रूप ले लेती हैं, और फिर हम उनको जस्टिफाई करते हैं किसी प्रूफ से, लॉजिकल प्रूफ देकर हम उसको जस्टिफाई करते हैं। और आपके आपके कोर्स में आपको धीरे धीरे थ्योरम और प्रूफ का कॉन्सेप्ट भी सीखना है। मैंने अभी इसको आपको बताया नहीं, इसीलिए मैंने आपसे कहा था अलग लेक्चर रखूंगा, तो याद रखिए मैं इस पर फिर से आऊंगा एक बार आपके। पर हम एक जाते जाते साइक्लिक ग्रुप से बाहर जाते जाते हम एक एग्जांपल और देखिए, और फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा इंटरेस्टिंग, कि क्या एक थ्योरम और बनने वाली है, कोई आप जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं? तो देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, तो ये इंटरेस्टिंग बात एक और देखते हैं। इसीलिए मॉडल अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी एप्लीकेशंस बड़ी वाइड है। आपने जेट फोर देखा था, जेट थ्री देखा, जरा जेट फाइव देखिए। इसका जेट फाइव क्या है? जीरो वन टू थ्री फोर। अब मैं ये सारी एक्सरसाइज आपको घर पे कर ली, मैं आपको बता चुका हूं, मैं दो बार कर चुका हूं आपके सामने काम अच्छी तरह से जनरेटर बनाने का। आप अच्छी तरह देखिए, मैं लिख रहा हूं आपको, जीरो से बनने वाला जनरेटर कुछ नहीं, जीरो से बनने वाला जनरेट करेंगे केवल जीरो वाला सेट मिलेगा। ये किसके बराबर नहीं है? इसका मतलब ये इसका जनरेटर नहीं है। वन से करेंगे पूरा जेड फाइव मिलेगा, चेक करके देख लीजिए क्यों मिलेगा, बोलिए हाँ यस। वन और फाइव का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? पढ़ चुके हम, वन है। टू और फाइव का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? वन है। पूरा जेट फाइव मिलेगा, थ्री पूरा जेट फाइव मिलेगा, फोर पूरा जेट फाइव मिलेगा। इसका मतलब जेट फाइव के जनरेटर क्या हो गए? क्या जेट फाइव जनरेटर है? मैंने अभी बताया था जेड एन के जनरेटर क्या होंगे, हमें पता है। जेट फाइव के जनरेटर क्या है? देखिए जीरो को छोड़कर हर नंबर जनरेटर है। जेट थ्री के जनरेटर क्या है? जीरो को छोड़कर हर नंबर जनरेटर है। थ्री और फाइव में क्या, थ्री और फाइव में क्या रिलेशन है बताइए? ये ऑड नंबर है, वेरी गुड। साथ में एक बात और भी है, थ्री और फाइव प्राइम नंबर्स हैं।
इंटरेस्टिंग पॉइंट, तो मैं एक फैक्ट और लिख सकता हूं, वो इसी का कॉन्सिक्वेंस है, इसी से आया है। क्या फैक्ट, क्या फैक्ट लिख सकता हूं? वन टू थ्री पी माइनस वन आर जनरेटर्स ऑफ जेड पी वेयर पी इज ए प्राइम। इसी से आया हुआ, यदि पी प्राइम है तो जीरो को छोड़कर बाकी सारे नंबर उसमें जनरेटर होते हैं, और यदि पी प्राइम नहीं है तो केवल वही नंबर जनरेटर होंगे जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इनके साथ में क्या होगा, वन होगा। इनको कहते हैं, ऐसे दो नंबर को कहते हैं कोप्राइम, कोप्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब हम इस पर बाद में आएंगे, इस पे आने के, अब मैं टॉपिक में एक दूसरे टॉपिक को ले रहा हूं। इसी में हमने ग्रुप में साइक्लिक ग्रुप देखा, हमने ग्रुप में जेडन का ग्रुप देखा, हमने मैट्रिक्स का ग्रुप बनाया। अब जरा सा हम बात करें हमने ग्रुप में एक सिंपल सी प्रॉपर्टी को हमने नहीं बताया है, इसको कहते हैं ग्रुप में बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब मैंने आपसे कहा था कि ग्रुप थ्योरी रेप्लिकेट करती है, थोड़ा सा पिक्चर वही दिखती है जो आप अभी तक नंबर्स के साथ करते आ रहे, जो आपने बीजगणित और अंकगणित में किया था, ग्रुप थ्योरी उसी को रिफ्लेक्ट करती है, उसी को दिखा रही है एब्स्ट्रैक्ट रूप में। कैंसिलेशन लॉ, अभी मैंने आपसे क्या बताया था, यदि ए को एन बार जोड़ू तो मैं एन ए लिख सकता हूं, ए को एन बार मल्टीप्लाई करूं मैं ए की पावर एन लिख सकता हूं। तो फिर आप बोलेंगे सर इसका मतलब ग्रुप में हम बीजगणित जैसे काम भी कर सकते हैं, हम कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। क्या हम कैंसिलेशन कर सकते हैं? क्या हम किसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? आंसर है यस। कैसे? तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, कैंसिलेशन लॉ या कैंसिलेशन प्रॉपर्टी या लॉ जो भी कह लीजिए, तो बेटर है कि आप इसको क्या लिखिए, बेटर है हम इसको क्या लिखे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी इन ए ग्रुप। क्या मतलब मेरा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी से? बिल्कुल वैसे जैसे आप कैंसिलेशन नंबरों के साथ में इक्वेशन में क्या करते थे। कैसे? इफ जी इज ए ग्रुप, यदि जी कोई ग्रुप है एंड ए बी सी इस ग्रुप के तीन एलिमेंट हैं, देन ऑपरेशन देखिए, मैं ऑपरेशन ना, मैं जब ग्रुप बोल रहा हूं तो इसका मतलब इसमें कोई ऑपरेशन है, और जब कोई ऑपरेशन हम दिखा नहीं रहे, ऑपरेशन को दिखाने के कई तरीके होते हैं, बुक में देखेंगे, स्टार से, कंपोजिशन से, प्लस से, डॉट से, हम इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। हम सिंपली मैं यदि लिख रहा हूं ए और बी मेंबर है जी के, तो इनकी ऑपरेट, मैंने ए भी लिख दिया, ए और बी के बीच ए भी लिखने का मतलब है ए बी पर ऑपरेट हो रहा है, ये जी की जो ऑपरेशन होगी उसके प्लस है तो ए बी लिखने का मतलब है ए प्लस बी, डॉट है ए बी लिखने का मतलब ए डॉट बी, स्टार है तो ए बी लिखने का मतलब ए स्टार बी, जो भी ऑपरेशन है। तो हम इस पे चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ऑपरेशन कई हो सकती है, तो हम ये नोटेशन यूज करेंगे। इसका मतलब हो रहा है कि ए और बी को जी की ऑपरेशन से कंबाइन किया है। देन ए बी इक्वल टू ए सी इंप्लाइज, देखिए ध्यान से, ए बी इक्वल टू ए सी इंप्लाइज, तो मैं ए को कैंसिल कर सकता हूं, बी इक्वल टू सी, वही जैसे नंबर में करते थे आप। कैसे याद करो, अपने बीजगणित में कैसे करते थे, 5x इक्वल टू 5y, 5 5 कैंसिल, x इक्वल टू y लिखते थे आप, बिल्कुल वही चीज यहां पर भी है, पर ये कैंसिलेशन काटने का जैसे 5 से डिवाइड करते हैं वैसा नहीं। मैं आपको समझाऊंगा इसका यहां कैंसिलेशन का मतलब क्या है, कैसे कैंसिल किया, किस साइड से कैंसिलेशन वैलिड हो रहा है, लेफ्ट साइड से, इसको लेफ्ट कैंसिलेशन कहते हैं। याद रखिए ग्रुप हम जब पढ़ रहे हैं तो हम लेफ्ट राइट, लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी, लेफ्ट इनवर्स, ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर ग्रुप अभिलीय नहीं होता, नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप भी होते हैं, और कई ऐसा भी हो सकता है कि कभी ये बातें वैलिड ना हो। ग्रुप में तो क्या लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी बराबर होती है, लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स बराबर होता है, परंतु ये चीजों को ध्यान में रखना है। कैंसिलेशन भी दो तरह का हो सकता है, एंड
देखिए जैसा बिल्कुल सही, अब एक को मैंने कहां साइड से कंसीडर किया, जिसको कहते हैं राइट कैंसिलेशन। तो दो कैंसिलेशन पॉसिबल है। तो आप पूछ रहे हो कैसे कैंसिलेशन किया सर, आपने किया क्या? बहुत सिंपल सर, ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्वेशन है, कोई अनोखी बात नहीं की मैंने। क्या किया है ध्यान से देखिए जैसा, इक्वालिटी का साइन है, माने ये कोई इक्वेशन है, आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं दोनों साइड यदि सेम ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई का मतलब है क्या, जब मैं मल्टीप्लाई कहता हूं इसका मतलब ग्रुप की ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, यदि ग्रुप की ऑपरेशन एडिशन है तो एडिशन की बात करेंगे, मल्टीप्लीकेशन तो मैं हम जनरली मल्टीप्लाई वर्ड यूज करते हैं याद रखिएगा। तो मल्टीप्लाई का मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, मल्टीप्लाई का मतलब है ये ऑपरेशन के बारे में बात कर रहा हूं, इसकी ऑपरेशन मल्टीप्लाई में वो ऑपरेशन का नाम यहां प्लस भी हो सकता है, स्टार हो सकता है, डॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोनों तरफ आप यदि एक ग्रुप का मेंबर है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और मैंने आपको ये बहुत अच्छी तरह से अपने पहले लेक्चर में बताया था, कभी कंफ्यूज मत होइए, ए इनवर्स का मतलब इन जनरल 1/a नहीं होता है, ए इनवर्स का मतलब होता है ए का इनवर्स। ए का इनवर्स का मतलब क्या होता है, यदि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाती है। तो प्लीज उस बातों को ध्यान में रखना स्टार्ट करिए धीरे धीरे, और ये कई बार आप लोग मिस्टेक करते हैं जल्दीबाजी में, आप ए इनवर्स को आपके दिमाग के, क्योंकि हमें आदत बनी हुई है 5 का इनवर्स 1/5, 3 का इनवर्स 1/3, -2 का इनवर्स -1/2, तो ये आदत को ज्यादा थोड़ा सा रिफाइन करिए धीरे धीरे सोचने की स्थिति बनाइएगी। जब मैं ए इनवर्स कह रहा हूं इसका मतलब मैं किसी एलिमेंट के इनवर्स की बात कर रहा हूं जो इस तरह से डिफाइन किया जाता है। सो ए इनवर्स दोनों तरफ मैंने ए इनवर्स से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने आपको ग्रुप में बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है, इसका मतलब ए इनवर्स ए बी को मैं लिख सकता हूं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, मतलब पेयरिंग चेंज कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब पेयरिंग को चेंज कर दो। आपको अच्छे से पता है ए इनवर्स ए, ए इनवर्स ए या ए A inverse A equal to A inverse equal to E, identity element. तो ये हो गया E, B, E, C. आपको पता है identity को किसी भी element से multiply करें तो फिर से B मिलता है। देखिए क्या आ गया, B equal to C आ गया। ये है cancellation. तो यदि AB equal to AC होगा तो B equal to C हो गया। इसी तरह से आप दिखा सकते हैं, समझ गए होंगे आप? इधर इसमें कहा किस साइड को मल्टीप्लाई करना है इनवर्स से, इसमें किस साइड को राइट साइड को मल्टीप्लाई करना है, बस यही काम कर रहा है, यही आंसर आ गया। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इसका मतलब मैंने कहा था आपसे, आपने बोला था सर ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं तो आप बताएंगे कि क्या कोई इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। देखिए इफ वी कंसीडर this cancellation property, यदि हम इस cancellation property को consider करें, यदि हम इस cancellation property को consider करें तो हम क्या देख सकते हैं, हम एक चीज observe कर सकते हैं बड़ी interesting, हम एक linear equation solve भी कर सकते हैं। कैसे? आपने मुझे किसी group में let ax equal to b is an equation इन ग्रुप जी, मतलब ए बी जी का एलिमेंट है, एक्स बी जी का एलिमेंट है और बी बी जी का एलिमेंट है, जहां ए और बी नोन है और जी एक्स जो है वो अननोन है। जी का एलिमेंट तो है पर हमें पता नहीं है क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, कौन सा एलिमेंट है। तो ये देखिए इसी को आप लीनियर इक्वेशन कहते थे याद करो अपने बीजगणित में, ये मेरी ग्रुप थ्योरी की इक्वेशन है। और आपने मुझसे पूछा सर इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, आंसर है यस हम सॉल्व कर सकते हैं, किससे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी से। कैसे, ये लीजिए स्टार्ट करिए, हां दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करिए, ए
एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी लगाइए लेफ्ट साइड में, ए इनवर्स ए, वहां देखिए आइडेंटिटी ई इंटू एक्स, एक्स होता है लीजिए, आपने मुझसे क्या कहा था एक्स की क्या वैल्यू होगी, एक्स कौन सा एलिमेंट होगा जी का, एक्स ये एलिमेंट होगा जी का, ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स बी एलिमेंट होगा जी का, समझ में आ रहा आपको? तो मैंने क्या बोला आपसे, एक्स ए इनवर्स बी एलिमेंट होगा, और सॉल्व कर दिया मैंने इक्वेशन। तो आप देखिए, आप धीरे से याद करिए, आपने नोट किया अच्छी तरह से और तो दिमाग के अंदर बैठाइए, अभी मैंने आपको कई प्रूफ नहीं दिए पर एक प्रूफ की हल्की सी झलक दी है आपको यहां पर। कैंसिलेशन का मतलब होता है इनवर्स एलिमेंट से लेफ्ट या राइट में मल्टीप्लाई करना, एक प्रकार से देखा जाए तो यहां कैंसिलेशन का मतलब ये, वो डिवाइड करने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने बोला डिवीजन का तो मतलब ही नहीं यहां पर कुछ भी, मैंने ये नहीं बोला फाइव फाइव इनवर्स का मतलब वन अपॉन फाइव होता है, परंतु ए इनवर्स का मतलब वन अपॉन ए तो मतलब ही नहीं होता। तो समझ में बात को, तो पहली बात तो आपने ये दिमाग में बैठाई, दूसरी बात आपने क्या चीज नोट की कि ग्रुप में भी लीनियर इक्वेशंस हो सकती हैं और वहां पर भी हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए धीरे धीरे हम कहां जा रहे हैं, हम अपने नंबर बीजगणित और अंकगणित से आगे जा रहे हैं और एक नया स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, और ये नया स्ट्रक्चर हमारे पुराने स्ट्रक्चर को ही पुराने स्ट्रक्चर की तरह ही काम कर रहा है थोड़ा थोड़ा, और यही इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात है। चलिए, मैंने आपको ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बताई, अब मैं बात करना चाहता हूं, लास्ट में मैं बताना चाहता हूं इसमें, इस लेक्चर में हम सब ग्रुप के बारे में बात करें थोड़ा सा। सब ग्रुप के बारे में बात करने से पहले हम इस क्वेश्चन पे बात करें, मैंने आपको एक ग्रुप दिया, मान लीजिए सपोज जी बी ए ग्रुप, जी कोई ग्रुप है मान लीजिए, इसका मतलब आपको पता है जी क्या है, एक सेट है पहली बात तो, ये क्लियर ही ग्रुप की डेफिनेशन में क्या पार्ट था पहले, जी is a non-empty set है, जी कोई non-empty set है, ठीक है ना, अरिक्त set है ये, अरिक्त समुच्चय set जो भी कहते हैं, तो ये non-empty set होता है, और आपको अच्छे से पता है, आपने अच्छे से set theory में पढ़ा हुआ है कि non-empty set, यदि जी non-empty set है तो इसके subset भी होते हैं, और दो सबसेट तो हमेशा होते हैं, कौन कौन से दो सबसेट होते हैं, एक तो होता है क्या, एक कौन सा होगा, जी है ना, तो जी में आइडेंटिटी तो हमेशा होती है, तो एक सबसेट तो इसका ये वाला होगा, आपको पता है किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी अनिवार्य है होना, तो एक ग्रुप ऐसा भी हो सकता है जिसमें केवल आइडेंटिटी हो, जैसे घबराइए मत, देखिए जीरो ये ग्रुप है, किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में, मैंने कल टेबल बनाई थी आपको, ये लीजिए टेबल तैयार है इसके लिए, बस एक एलिमेंट का ग्रुप है, यही इसका एकमात्र एलिमेंट है और यही इसका आइडेंटिटी भी है, और यही इसका इनवर्स भी है, क्यों इनवर्स है इसका, जीरो का इनवर्स क्या होगा याद करिए, जीरो का इनवर्स क्या होगा, प्लस के नोटेशन में माइनस जीरो होगा, और माइनस जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो का इनवर्स भी जीरो है, जीरो का इनवर्स भी जीरो है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी भी जीरो है, और एक ही एलिमेंट का, तो एक एलिमेंट का भी ग्रुप होता है केवल आइडेंटिटी से बना हुआ, तो इसका एक सबसेट तो ये है राइट, इसका वैसे इसके ऐसे दो सबसेट जो होंगे जो आपकी सेट थ्योरी के हिसाब से, इसके एक सबसेट होता है एम्प्टी और एक होता है जी इटसेल्फ, पर आपको पता मैं एम्प्टी में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरी ग्रुप थ्योरी नॉन एम्प्टी सेट पर बेस्ड है, सेट को नॉन एम्प्टी होना जरूरी, तो फिर इसीलिए मैंने ये लिया था, फाई और जी होंगे दो इसके सबसेट, और इसके दो यहां ग्रुप के रिस्पेक्ट में, यदि मैं फाई को नहीं ले रहा हूं तो मैं दो सबसेट ऐसे दिखा सकता हूं, ये तो हमेशा होंगे, एक ई होगा और एक जी होगा,
और जरा ध्यान से देखिए, मैंने अभी बताया था आपको, ये भी ग्रुप बनाता है और ये तो ग्रुप है ही। इसका मतलब जी के दो सबसेट हमेशा मौजूद होते हैं जो खुद ग्रुप होते हैं, ई और जी। ई आइडेंटिटी एलिमेंट का और जी पूरा, इनको कहते हैं तो सबसेट। ये वो सबसेट हैं जो ग्रुप भी हैं, तो इनको ऐसे सबसेट जो ग्रुप भी हैं उनको सब ग्रुप कहते हैं। अभी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं आपको। इसका मतलब जी में किसी भी ग्रुप में ये दो सब ग्रुप हमेशा मौजूद होंगे। ये दो सब ग्रुप किसी भी ग्रुप में हमेशा मौजूद होंगे, इसीलिए इनको कहा जाता है इम्प्रॉपर, और कई बार कई बुक में आपको इनको लिखा मिलेगा ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ जी, इम्प्रॉपर या ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ जी लिखा मिलेगा। ओके, हमारा इंटरेस्ट किसमें है? ये तो दो सब ग्रुप मिल गए, जी के तो और भी सबसेट हो सकते हैं जो इसके इधर, राइट। ये सबसे छोटा वाला सबसेट है, ये सबसे बड़ा वाला है, इनके बीच में भी तो हो सकते हैं सबसेट। तो क्या जी के सारे सबसेट खुद ग्रुप बन जाएंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है जिसका हम प्रूफ लिखेंगे अपने इस कोर्स में, लेक्चर में। इसको लैग्रांजेस थ्योरम कहते हैं, और आश्चर्य की बात यह है, आश्चर्य की बात तो नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि इंटरेस्टिंग बात यह है, हम चाहते तो हैं कि हर सबसेट क्या बन जाए सब ग्रुप, पर ऐसा होगा नहीं। देखिए मैं आपको एग्जांपल से पूछता हूं, क्यों ना हम एग्जांपल से बात करें ना, इसमें चिंता करने की कौन सी बात है। हमने ये एग्जांपल किया था अपनी पिछली क्लास में, याद करिए, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। हाँ, ये याद रखिए, आप जब भी लेक्चर्स को इस लेक्चर के सीरीज में लेक्चर्स को देख रहे हैं तो हम बार बार, संभव नहीं होगा कि हम हर बार हर नोटेशन को रिपीट करते जाएं, तो ये ध्यान रखिए अपने पहले लेक्चर्स के कुछ नोटेशंस को भी याद रखिए। वैसे हमने ये केयर किया है कि अपने पूरे लेक्चर में स्टैंडर्ड नोटेशंस रखें, जिससे कि आपको पता है यूनिवर्सल नोटेशन कहते हैं उनको। ये ओमेगा जो होता है यूनिवर्सल नोटेशन है किसका, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर प्योर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वन के दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट होते हैं, वो है याद रखिएगा। मैंने बताया था ये ग्रुप होता है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में। इसका एक सब ग्रुप, अभी देखिए हम मैंने ऊपर बनाया, इसका एक सब ग्रुप तो ये होगा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, और एक होगा पूरा एस, इसको आपने ट्रिवियल कहा था। इसके तो और सब ग्रुप भी पॉसिबल है, क्या क्या सबसे पॉसिबल है देखिए, ये भी तो पॉसिबल है, 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 ऐसे बहुत सबसेट है। क्या ये सब ग्रुप का स्ट्रक्चर रखते हैं? आश्चर्य की बात है नहीं। अभी चेक कर लेते हैं, एक में एक दो चेक करके आपको दिखाता हूं। टेबल देखिए, टेबल बड़ी अच्छी होती है, जब हम छोटे छोटे ग्रुप की बात कर रहे हैं टेबल बहुत जल्दी होता है, हैंडी होता है, फटाफट आदत बनाइए टेबल करने की। 1 1 1 1 W W W 1 W और W स्क्वायर। आपको पता है ग्रुप होने के लिए क्लोजर होना चाहिए, क्लोजर मतलब आप जिस सेट को ग्रुप बना रहे हैं उसी के एलिमेंट आने चाहिए ऑपरेट होने के बाद में। यहां तो एक नया एलिमेंट आ गया जो इसमें नहीं था, इसका मतलब ये सबसेट क्या नहीं है, उसी ऑपरेशन में ग्रुप नहीं है। ऑपरेशन याद रखिए, बड़े वाले ग्रुप की ऑपरेशन में ही बात कर रहे हैं। इसको देखिए, फिर चेंज करें थोड़ा सा, इसको देखें, ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, ओमेगा, फिर वही ग्रुप, ओमेगा तो था ही नहीं, फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर देखिए। देखिए मैथमेटिक्स में बहुत काम करना पड़ता है, मैथमेटिक्स आप सोचते हैं कि मैथमेटिक्स केवल आप पढ़ के देख कर सीख लेंगे, नहीं, मैथमेटिक्स में बार बार पन्ने भरने पड़ते हैं, करना पड़ता है मैथमेटिक्स को, तब मैथमेटिक्स धीरे धीरे आपको समझ में आती है। मैथमेटिक्स केवल थ्योरम और प्रूफ नहीं होती, मैथमेटिक्स भी एक्सपेरिमेंट होता है। ये मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं आपको, यही एक्सपेरिमेंट से थ्योरम का जन्म होता है। तो प्लीज ये आदत बनाइए कैलकुलेशन करने की,
ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब वन, आगे मैं नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा, क्लियर हो गया ये वन आ गया और वन तो था ही नहीं इसमें, ओमेगा 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 स्क्वायर फेल, ओमेगा स्क्वायर टू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा फेल, इंटरेस्टिंग, बड़े आश्चर्य की बात है, देखिए जैसा ध्यान से, आपको तो कोई भी इसके अलावा दिख रहा है, इसके अलावा आपको कोई भी, इसके अलावा आपको कोई भी, इन दो के अलावा आपको कोई भी सब ग्रुप नहीं मिला, कोई भी सबसेट ऐसा नहीं मिला जो ग्रुप बन जाए। और हम आएंगे बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम पर, हम उस पर आएंगे, पर पहले मैं आपको एक डेफिनेशन दे दूं भाई सब ग्रुप से, मेरा मतलब क्या है सब ग्रुप से, आप समझ गए, वो सबसेट जो ग्रुप की उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या बन जाए, खुद ग्रुप बन जाए, उनको हम उस ग्रुप का सब ग्रुप कहते हैं, वो ग्रुप के वो सबसेट जो ग्रुप की ही ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में स्वयं में ग्रुप बना लें, उनको हम सब ग्रुप कहते हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होगा, किसी भी ग्रुप के कितने सब ग्रुप हो सकते हैं, और ये क्वेश्चन तब इंटरेस्टिंग होता है जब ग्रुप फाइनाइट हो, इनफाइनाइट ग्रुप में ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। तो देखिए यहां पर मैं आपको डेफिनेशन लिख रहा हूं सब ग्रुप की, सब ग्रुप की डेफिनेशन, लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, जी कोई ग्रुप हो और एच ए नॉन एम्प्टी सबसेट हो जी का, इफ एच If H is itself a group with respect to the operation of G, then H is called subgroup of G. H is called subgroup of G. G की ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ही H स्वयं एक क्या बन जाए, ग्रुप बन जाए, तो हम उस सबसेट को, उस नॉन एम्प्टी सबसेट H को G का सबग्रुप कहते हैं।